आज से पितृपक्ष चालू हो गए हैं और श्राद्ध पे हम अपने पुरखों को भोजन अर्पित करते हैं, तो उसी के लिए आज मैं श्राद्ध की थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ। श्राद्ध की थाली में आज हम बनाने वाले हैं खीर, कौड़े वाली कढ़ी, कद्दू की सब्जी, उड़द दाल और मूंग दाल के बड़े, मूंग दाल के मगोड़े, चावल, पापड़, पूरियाँ और ये पुए। आज जो मैं थाली शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल सात्विक है, इसमें हमने लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम खीर बनाएंगे और आज मैं आपको कुकर में खीर बनाना बताने वाली हूँ, जिससे कि आप 15 से 20 मिनट में खीर बना के तैयार कर सकते हैं एकदम बढ़िया मलाईदार गाढ़ी खीर। खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बोल में ले लिए हैं 1.5 बड़ा चम्मच चावल, आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन चावलों को हम अच्छे से 3-4 पानी से वॉश करके भिगो कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो यहाँ मैंने चावलों को वॉश कर दिया है, इसमें पानी डाल दिया है, अब इनको आधे घंटे के लिए हम भीगने देंगे और फिर इनका पानी हम पूरी तरह से निकाल देंगे। यहाँ मैंने कुकर ले लिया है, अब कुकर में हम बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून से भी कम घी डालेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक टिश्यू लेके इस घी को हम कुकर में चारों तरफ फैला देंगे, इससे कुकर में खीर जलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अच्छे से फैला दिया है चारों तरफ और अब हम कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच, इससे भी दूध तले में नहीं चिपकता है। और अब हम फाइनली इसमें दूध डाल देंगे, तो मैं पहले से गर्म किया हुआ दूध इसमें डाल रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। हम इसमें 3 कप दूध डाल रहे हैं और यहाँ 2 चम्मच मलाई मैं ऐड कर रही हूँ, ये भी ताज़े दूध की मलाई है, आप ताज़े दूध की ही मलाई इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम उबाल आने देंगे, दूध ऑलरेडी गर्म है तो कुछ ही सेकंड्स में इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें हम हमारे भिगोए हुए चावल डालेंगे, इनका पानी मैंने निकाल दिया था, चावलों को हम आराम से आहिस्ता से दूध में ऐड कर देंगे। अब इसमें बॉईल आने देंगे, तो बॉईल आ गया है, अब इसमें हम डालेंगे 4 इलायची जिनको मैंने हल्का सा खोल दिया है। मैं यहाँ खड़ी इलायची इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इलायची पाउडर या इसके दानों को दरदरा कूट कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में मैं इन्हें निकाल दूंगी। अब हम इसी वक्त इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आप अपनी पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम चिरौंजी डालेंगे ड्राई फ्रूट्स वाली, 1 बड़ा चम्मच काजू, 1 बड़ा चम्मच बादाम कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच किशमिश डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा के इसमें विसिल आने देंगे, हमको प्रॉपर विसिल नहीं लेनी है क्योंकि दूध बाहर आ जाएगा विसिल के साथ, तो हमको जब वो विसिल आने वाली होती है और कुकर में आवाज़ आने लगती है तब तक ही इसको हाई फ्लेम पर पकाना है, फिर हमको एकदम लो फ्लेम कर देनी है ताकि विसिल ना आए। तो देखिए कुकर में आवाज़ आने लगी है, अब हम लो फ्लेम कर देंगे, हमको प्रॉपर विसिल नहीं आने देनी है और लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद हमने गैस बंद कर दिया था और कुकर को ठंडा कर लिया। देखिए हमारी बढ़िया सी खीर एकदम बन चुकी है, फ्लेम ऑन कर देंगे। यदि आपको खीर गाढ़ी लगती है तो आप थोड़ा गर्म दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 कप चीनी डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए और कुक करेंगे बिना ढके। तो खीर हमारी पक चुकी है और यहाँ देखिए मैंने इलायची भी निकाल दी है चारों, देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आई है, बहुत ही बढ़िया मलाईदार गाढ़ी खीर बनकर तैयार हुई है। तो इसको बनने में लगभग 20 मिनट लगे हैं और बहुत ही अच्छी खीर बनके तैयार हो गई है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बढ़िया खीर बनके तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे बड़े और मंगोड़े। तो सबसे पहले बड़े बनाएंगे, तो बड़ों के लिए हम लेंगे एक बोल में 1/2 कप धुली हुई उड़द की दाल और दूसरे बोल में लेंगे 1/2 कप मूंगी दाल, दोनों ही बिना छिलके वाली। अब इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे हम, तो यहाँ मैंने 3-4 पानी से इन्हें वॉश कर लिया है और इन्हें भिगो कर रख दिया है, अब इन्हें हम 1/2 से 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम मंगोड़ों के लिए भी दाल भिगो देंगे, तो इसके लिए एक बोल में लेंगे हम 1/2 कप मूंग की दाल और इसको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे, और मूंग दाल को भी हमने वॉश कर लिया है और अच्छे से पानी से भिगो कर रख दिया है, अब इसको भी 1/2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो मूंग दाल को भिगते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था, मैंने इसका पानी निकाल दिया अच्छे से, मूंग दाल बहुत ही जल्दी गल जाती है। अब इसे हम मिक्सर जार में शिफ्ट करेंगे, इसमें डालेंगे हम 1 इंची अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने 3-4 टुकड़ों में कट कर लिया है, साथ ही में हम ऐड करेंगे 8 से 10 हरी मिर्चें, इनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और बिल्कुल 1/2 चुटकी हम इसमें हींग ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अब इसमें हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे और इसको ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे, ऑन ऑफ करके मोटा मोटा ग्राइंड करना है। तो ये ग्राइंड हो चुकी है, हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो मंगोड़े के लिए मूंग दाल तैयार है, बड़ों की दाल भी अच्छे से भीग चुकी है और इनका भी पानी मैंने निकाल दिया है। अब पहले मूंग दाल को हम मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे, मैंने वही मिक्सर जार ले लिया जिसमें हमने मंगोड़ों की दाल पीसी थी। अब इसमें हम डालेंगे 6 से 7 हरी मिर्चें, मिर्चों को आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 इंची अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 चुटकी हींग और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है। अब इसे भी बिना पानी के हम ग्राइंड कर लेंगे ऑन ऑफ करके मोटा मोटा। तो ये ग्राइंड हो चुकी है, इसे एक जार में हम ट्रांसफर कर देंगे और अब हम उड़द दाल को भी ग्राइंड कर लेंगे, इसमें भी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, ऑन ऑफ करके ग्राइंड कर लेंगे।
तो ये भी ग्राइंड हो चुकी है और अब इसको हम सेम जार में ट्रांसफर कर देंगे मूंग दाल के साथ। तो हमारे मूंगड़ों और बड़ों दोनों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इनमें हम थोड़ी थोड़ी धनिया डालेंगे, लगभग 1 टेबल स्पून। स्वाद अनुसार हम दोनों में नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम पहले बड़े तलेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से ऑयल गर्म कर लिया है, मीडियम हॉट ऑयल है ये, और फ्लेम भी मीडियम रखेंगे। अब हम हाथों में पानी लगा के थोड़ा चपटा शेप देते हुए बड़ों को तल लेंगे इस तरह से, और मीडियम आंच पे ही इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम कुक कर लेंगे, पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें एक हम टिश्यू पे निकाल लेंगे और अब हम मुंगोड़े तलेंगे। तो इस तरह से हाथों से हम छोटे छोटे मुंगोड़े तेल में डालेंगे, गर्म तेल में। इस वक्त भी हमारा तेल मीडियम हॉट है और फ्लेम भी मीडियम है। अब इनको भी हम अच्छे से सेक लेंगे जब तक इनका अच्छा से कलर चेंज ना हो जाए। तो मुंगड़े भी हमारे सिक चुके हैं, अब इनको भी हम टिश्यू पे निकाल लेंगे। तो श्राद्ध की थाली के लिए हमारे मुंगड़े और बड़े दोनों ही रेडी है। तो अब हम पकौड़े वाली कढ़ी बनाएंगे। तो कढ़ी के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप बेसन ले लिया एक बोल में। इसमें हम ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1/8 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे, जैसा कि हम भजियों के लिए तैयार करते हैं। और बैटर को हम अच्छे से फेंटेंगे ताकि हमारे सॉफ्ट पकौड़े बनके तैयार हों। धीरे धीरे करके पानी ऐड करते जाएंगे और फेंटते जाएंगे। तो बढ़िया कंसिस्टेंसी आ चुकी है। तो बैटर हमारा एकदम रेडी है और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। अच्छे से फेंट देंगे और अब हम गर्म तेल में इनको भी तल लेंगे। ऑयल मीडियम हॉट है, फ्लेम भी मीडियम है। इस तरह से कढ़ाई में पकौड़े डालें, आप चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सभी पकौड़े डल चुके हैं, अब इनको अच्छा सा हम गोल्डन कलर आने तक कुक कर लेंगे। तो लीजिए हमारे पकौड़े भी रेडी है, इनको निकाल लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया पकौड़े बने हैं, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं और कितने बढ़िया बने हैं। देखिए ये कढ़ी को बहुत ही अच्छे से अब्सॉर्ब करने वाले हैं और कढ़ी में भीगने के बाद ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें डालेंगे हम 3 कप दही। बर्तन में हम पानी डाल के उसको हिला के वो भी डाल देंगे और थोड़ा पानी और ऐड करेंगे अलग से। टोटल हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 बड़े चम्मच बेसन और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर। और अब जार बंद करके इसको अच्छे से हम चला लेंगे। दही से आप जब भी कढ़ी बनाए तो मिक्सर जार में ही इसको फेंटे, इससे फटने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच घी, शुद्ध घी। आप चाहें तो ऑयल में कढ़ी को फ्राई कर सकते हैं, पर शुद्ध घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सबसे पहले हम डालेंगे 1/8 टीस्पून मेथी दाने, 1 चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा। इनको कुछ सेकंड के लिए कुक कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून हम कसा हुआ अदरक डाल देंगे इसमें, भून लेंगे अच्छे से कच्चापन जाने तक। और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के हम करी पत्ते डाल देंगे बारीक कटे हुए, अच्छे से पका लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको कुक कर लेंगे हम गरम कढ़ाई में ही। और अब हम इसमें हमारा फेटा हुआ दही डाल देंगे, अभी भी फ्लेम ऑफ है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब फ्लेम ऑन कर देंगे और चलाते हुए इसको उबाल आने तक पकाएंगे। तो कढ़ी में उबाल आ चुका है, देखिए आप। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच चीनी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, इससे टेस्ट बैलेंस होता है। दही हमारा मीडियम खट्टा है, बहुत खट्टा नहीं है। मिक्स कर लेंगे और अब इसको धीमी आंच पे हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, कढ़ी हमारी ऑलमोस्ट पक गई है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। और कढ़ी हमारी रेडी है, एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी आ चुकी है इसकी, देखिए। अब इस स्टेज पे हम इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। हमने सारे पकौड़े ऐड नहीं किए हैं, कुछ पकौड़े बचा लिए हैं। अब हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है, अब इसका तड़का प्रिपेयर करेंगे हम। इसके लिए यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच शुद्ध घी ले लिया है तड़का पैन में। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई, राई फटने के बाद इसमें आधा छोटा चम्मच हम जीरा डाल देंगे, 4-5 खड़ी लाल मिर्ची डाल देंगे और कुछ करी पत्ते डाल देंगे कटे हुए। फ्लेम ऑफ कर देंगे और मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तड़का रेडी है, अब इसे हम कढ़ी पर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ सेकंड्स के लिए और कुक करेंगे और हमारी कढ़ी तैयार है, इसे सर्व कर लेंगे। अब हम चावल बनाएंगे। मैंने 1 कप बासमती चावल लिए थे, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर उसका पानी मैंने निकाल दिया। अब इन्हें हम कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें हम 2.25 कप पानी डाल देंगे, नमक डालेंगे और 1 सीटी हम हाई फ्लेम पे और 1 सीटी हम लो फ्लेम पे ले लेंगे। तो चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं।
अब हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी। इसके लिए यहाँ मैंने आधा किलो कद्दू ले लिया था और इसके बड़े बड़े पीसेस मैंने कट कर लिए हैं छिलके सहित। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें 1/8 teaspoon मेथी दाने डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब इसमें हम कद्दू डाल देंगे, साथ में नमक डालेंगे स्वादानुसार और 1/8 teaspoon हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। मिक्स करेंगे और ढककर हम इनको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कद्दू को। पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अभी भी कद्दू पके नहीं है तो हम ढककर और पकाएंगे। और 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे कद्दू। तो देखिए कद्दू पक चुका है पूरी तरह से। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे। आधा नींबू इसमें हम निचोड़ देंगे, मिक्स करेंगे। कुछ दाने हम चीनी के डालेंगे, ये ऑप्शनल है पर इससे टेस्ट बैलेंस होता है, मिक्स करेंगे। ऊपर से धनिया पत्ती डालेंगे और सब्जी हमारी रेडी है। अब हम पुए तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोल में मैंने ले लिया है गुनगुना पानी, ये 1/2 कप है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप गुड़, मिक्स कर देंगे, और साथ ही में 1/4 कप ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि गुड़ और चीनी इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हम एक बार और हिला लेंगे। तो गुड़ चीनी इसमें डिसॉल्व हो चुके हैं। अब गुड़ में गंदगी होती है इसलिए हम इसको छान लेंगे। अब इस पानी को हम वापस बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और एक छन्नी लेंगे, इसमें डालेंगे हम 1 कप गेहूँ का आटा। इसको छान लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें और पानी ऐड करते हुए इसका एक पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे पानी ऐड करें, फेंटते जाएं। देखिए इस कंसिस्टेंसी का आपका बैटर होना चाहिए। अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो लगभग 1/2 घंटा हो चुका है, बैटर हमारा रेडी है। अब यहाँ कढ़ाई में मैंने ले लिया है घी, आप चाहें तो इनको ऑयल में भी तल सकते हैं। अब हम मेजरिंग कप की हेल्प से बैटर को लेंगे और इस तरह से कढ़ाई में डालेंगे। और हमको धीमी आंच पे इन पुओं को बनाना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। और कुछ सेकंड तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये अपने आप से ऊपर आ जाएगा। तो देखिए अपने आप से ऊपर आ चुका है, आपको इसमें कुछ जालियाँ भी नजर आ रही होगी, इसका मतलब है कि पुआ अच्छा बन रहा है। अब इसको एक साइड से हम कुछ सेकंड के लिए सिकने देंगे, फिर आहिस्ता से पलट देंगे और बस इसी तरह पलट पलट कर हम दोनों साइड से इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इसका अच्छा कलर चेंज ना हो जाए। जब एक बार पुआ ऊपर आ जाता है तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो देखिए हमारा पुआ रेडी हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे 2 चम्मचों की हेल्प से। इसी तरह हम बाकी के पुए भी सेक लेंगे। तो हमारे पुए सेक चुके हैं और गरम गरम पुओं पर ही हम थोड़ी सी चीनी स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा नारियल का बूरा और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो लीजिए हमारे पुए भी रेडी हैं, अब हम पूरियां बनाएंगे। पूरियों के लिए हम 1 कप आटा लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छा सख्त डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमारा रेडी है, इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसकी हम पूरियां बेल लेंगे। थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करके हम इनकी पूरियां बेल लेंगे और अब गर्म तेल में हम पूरियों को तल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली पूरियां बनी हैं। अब हम पापड़ों को तलेंगे। तो 1 बड़े पापड़ के मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं और इनको हम चिमटे की हेल्प से इस तरह से पलट पलट कर तल लेंगे। लीजिए हमारी श्राद्ध की थाली तैयार है, सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया बनी हैं। तो यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।